जनरल बिपिन सिंह रावत परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, एडीसी से सम्मानित भारतीय सेना के 4-स्टार जनरल थे। भारतीय सरकार द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS पद की घोषणा के कुछ दिन बाद ही जनरल बिपिन सिंह रावत को 31 दिसंबर 2019 को भारतीय सेना के पहले त्रिसेवा ट्राई सर्विसेज प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। प्रतिष्ठित CDS पद पर नियुक्त होना बिपिन सिंह रावत की कई प्रशंसाओं में से एक था। जनरल बिपिन सिंह रावत गोरखा ब्रिगेड से COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले 4th जनरल हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से पहले जनरल रावत वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और दिसंबर 17, 2016 को जनरल दलबीर सिंह सुहाग से उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पोस्ट लिया। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA और इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने के बाद जनरल रावत ने इंडियन आर्मी दिसंबर 1978 में अपने पिता की बटालियन 11 गोरखा राइफल्स ज्वाइन करी। जनरल रावत को आतंकवाद विरोधी युद्ध के क्षेत्र में उनकी व्यापक विशेषज्ञता के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया गया और उन्हें पूर्वी कमांड सहित भारत के कुछ सबसे खतरनाक इलाकों में सेवा करने के लिए जाना जाता है। अपने 4 दशक की लंबी सेवा में जनरल रावत ने ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमांड, जनरल ऑफिसर स्टाफ ग्रेड 2 मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट, कर्नल मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्यूटी मिलिट्री सेक्रेटरी, मिलिट्री सेक्रेटरीज ब्रांच और सीनियर इंस्ट्रक्टर जूनियर कमांड विंग में काम किया। वह संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के एक अभिन्न अंग भी रहे और उन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड का नेतृत्व किया था। पूर्वोत्तर में उग्रवाद को बेअसर करना भारतीय सेना में जनरल बिपिन सिंह रावत के सजाए गए करियर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है और 2015 में म्यांमार सीमा पर अभियान जिसमें भारतीय सेना के NSCN के आतंकवादियों द्वारा किए गए घात का सफलतापूर्वक जवाब दिया। अपनी सेवा के दौरान जनरल रावत को परम वशिष्ठ सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति वशिष्ठ सेवा पदक, वशिष्ठ सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक और सेना पदक से अलंकृत किया गया। 8 दिसंबर 2021 को रावत, उनकी पत्नी और सेना के अन्य वरिष्ठ जनरल 10 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों में शामिल थे जो भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार थे जो सुलूर एयरफोर्स बेस से डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन की ओर जा रहा था जहां जनरल रावत को एक लेक्चर देना था। हेलीकॉप्टर अपने गंतव्य के लगभग 10 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय वायुसेना ने जनरल रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की मृत्यु की पुष्टि करी है। भारतीय वायुसेना के अनुसार ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह एकमात्र अधिकारी हैं जो इस दुर्घटना में बच पाए हैं। जनरल रावत के अद्भुत साहस और योगदान को भारत सदैव याद रखेगा और सल्यूट करता है। जय हिंद, जय भारत।